कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिये, रोमांचक खेल है। देखो देखो कब बड़े हो गए तुम लोग। कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। साकिर कैनन यहाँ आओ, निकेटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक, 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3 8 2 15 1 टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकेटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकेटी क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकेटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकेटी रैमजिया, तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन क्यों ना हम मिलके सोफी को एक किला बना दें? ओके करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊटपटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरी, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, फुश्च। सत्यानाश, सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन 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 कहाँ गई? पापा कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन कहाँ हो तुम? कादरिये तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊटपटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है हो गया, पहले मैं जाऊंगा। ये गया, अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो कोई है? हा? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकेटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता, शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ सही तुक्का लगाया, एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ निकेटी। इस
शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रामजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बम क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी, हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? कौन है? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो? हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा, एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है, थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा, वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था कोमो लोको, बहुत शैतान था वो और गुस्सा करने वाला भी, हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़ कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी औरत बुढ़े सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है और धूल को देखकर राजा कोमोलोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊटपटांग गानों पर नाच करता है, और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा सांबा छा 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 और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। उधर देखो तो वो सारे आदमियों को पकड़ कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी, मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रामजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो, ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहां से निकालो, मेरा वकील कहां है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं, अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बदतर बना देता। बस तो यही तुम्हारा नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है, आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है, और तुम्हारा चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा।
और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से पिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ, जल रहा। कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी, भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है, अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुँच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है, वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो, कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं! कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? पाँच, चार, तीन, दो, एक, हो गया। इंतजार खत्म। मेरा गेम आ गया। फाइनली मेरा गेम आ गया। वो आ चुका है। क्या हुआ? तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई क्या? इंतजार खत्म। वो आ चुका है। काम हो गया। बहुत हो गया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो निकाटी? कोई फ्रिज से चोरी कर रहा था रैमजी। कहानियाँ मत बनाओ निकाटी, तुम्हें भूख लगी थी, खाने का सामान ढूंढते हो, तुम यहाँ आए हो। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है रैमजी, खुद को रोक ही नहीं पाया। अरे फ्रिज की बात भूल जाओ, तुम चिल्ला क्यों रहे थे बेटा? वो आ चुका है मॉम, वो आ गया। इस गेम का हमें कब से इंतजार था। एलियन हंटर प्रोफेसर 3 आ चुका है। बेटा एक गेम के लिए इतना क्यों खुश हो रहे हो? ठीक है तो चलो मुझे गेम डाउनलोड करने के लिए पैसे दे दूँ मॉम। पैसे? बिल्कुल नहीं, पिछले हफ्ते ही तो एक नया गेम खरीदा था। नहीं लेकिन अब मुझे ये वाला गेम खेलना है। वो मैं समझ गया, लेकिन अपने कमाए पैसे से इस घर को भी समझदारी से चलाना है, समझे? हर बात की एक अहमियत होती है। रहने दीजिए, एक बजट में काम करना मुश्किल काम है क्या? एक बार मुझे सारे पैसे तो दे दो, मैं घर की हर एक जरूरत को पूरी करूंगा और ढेर सारे पैसे भी बचा लूंगा। छोटा बच्चा होकर इतनी बड़ी बातें। टीवी पर एक महिला ने बताया था कि बच्चों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो बताओ क्या करूं कादरी, साकिर को सारे पैसे दे दूं ताकि पता चल सके वो उसे कैसे खर्च करता है? मेरे हिसाब से उसे एक मौका देना चाहिए। गए काम से, हो गए बर्बाद। साकिर अगर वाकई तुम पैसे समझदारी से खर्च करोगे
तो मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो और ये घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। बस देखते जाओ, एक घर को कैसे चलाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इस केक में क्रीम थोड़ा कम लग रहा है कादरिये। दिखाना जरा। ये देखो तो हाथ से फिसल गया। माफ करना। देखा ना क्रीम कम है ना? खैर आगे से क्रीम ज्यादा डालना। अरे ध्यान से गिरा मत देना, ये बहुत ही कीमती है, इसे गिरा मत देना समझे। अभी बहुत सारे बॉक्सेस है तो जल्दी से हाथ चला लो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी हाथ चलाओ। अरे ये ट्रक क्यों आया है यहाँ? कोई रहने आ रहा है क्या? तुम तैयार हो ना? मैं धक्का लगा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, ओ, मुझे नीचे से निकालो। सर इस जगह पर आप साइन कर दीजिए, अब हमारा काम पूरा हुआ। ठीक है, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। ये तो गजब का है, और मैं हूँ अभी अंतरिक्ष में। सामने एक एलियन है। मैंने एलियन का सर पकड़ लिया। अरे सुनो, अरे मैं कहाँ सोऊंगा, मेरा पलंग किधर गया? साकेत, मुझे उल्का पिंड का मॉडल मिला। ये कोई मॉडल नहीं है कैनन, ये असली उल्का पिंड है। इसे मैंने एक साइंस लैब से खरीदा है। तुम्हें पसंद आया ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छा है। अब इसकी जांच करूंगी। अरे घर को शोरूम बना दिया, इतनी सारी चीजें कैसे खरीदी? आपके पैसों से डैड। आप भूल गए क्या? अब इस घर को मैं ही चलाऊंगा। अच्छा इस तरह, वहाँ बॉल से भरा एक पूल है, तुम्हारे दादाजी उसमें सो रहे हैं। वाह! सो नहीं रहा, आराम कर रहा हूँ बस। ये देखो पापा, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। टाडाडा, एक लेटेस्ट का V8 मोटर, 500 हॉर्स पावर, हॉर्न बजाने पर दहाड़ता है। तुमने भी शेर की आवाज सुनी? हाँ, अब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया हूँ। क्या अद्भुत नजारा है, सब कुछ असली जैसा है। वाह, यहाँ तो तरबूज भी है, पहाड़ी तरबूज। ये मेरा सिर है निकाटी, अपना हाथ हटाओगे यहाँ से? नहीं, ये तरबूज है, गोल और स्वादिष्ट। मिस्टर साकिर, भोजन तैयार है। अब ये कौन है? आज से ये हमारा कुक है। जैसा आपने कहा था, मैंने खाने में मटर पनीर बनाया है। मैं हूँ डक और ये है नारंगी। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लाया गया। बहुत अच्छा लगा, अब काफी हो गया, रुक जाओ। चलो साकिर, डिनर से पहले शॉपिंग कर लेते हैं बेटा। चलिए चलिए, छत पर हेलीकॉप्टर तैयार है। हेलीकॉप्टर? मेरी नाक क्यों पकड़ रहे हो निकाटी? इसका रिमोट नहीं मिल रहा, इसका बटन नाक जैसा क्यों है रैमजी? मुझे इसकी सेटिंग बदलनी है। हम पहुंच गए मैडम, 2 घंटे बाद मैं आपको लेने आऊंगा। अच्छी बात है, शुक्रिया। वॉशिंग लिक्विड, स्पंज, पास्ता, टोमेटो केचप, अंडे, मक्खन और टूथपेस्ट। और कुछ भी अगर लेना है तो तुम लोग देख लो, हमें यहाँ से निकलना भी है। अच्छा, ये क्या? टॉयलेट पेपर 20 रुपए। यहाँ तो लूट मचा रखी है। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं हो सकता। चीज 15 रुपए, पेपरोनी 25 रुपए, आइसक्रीम 30 रुपए, मीट 40 रुपए, शैम्पू 50 रुपए। सब कुछ यहाँ इतना महंगा क्यों है? क्यों शोर मचा रहे हो, तबीयत ठीक है ना? आपके हुए 450 रुपए मैडम। क्या कहा, 450? ये तो बहुत ज्यादा है। आपके लिए थोड़ी है। इतना पैसा बचा ही नहीं है, पूरा महीना क्या करेंगे। आइए मॉम, यहाँ से चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हो साकिर, क्या हुआ? कितना महंगा है यहाँ सब कुछ, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे? हेलीकॉप्टर, हमें घर ले चलो जल्दी से। वैसे तो है ना बेटा, यहाँ से घर जाने का बहुत बड़ा बिल बनेगा। आइए मॉम, जल्दी चलो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा मॉम। ठीक है बेटा, समझ गए, शांत हो जाओ, घर चलते हैं। डैड से बात करना, शायद वो तुम्हें कोई सुझाव दे दें। पापा, पापा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राक्षस। कौन सा राक्षस बेटा? मैं हूँ तुम्हारा डैड। राक्षस। डरो मत साकिर, ये एक मास्क है, तुम्हारे खरीदे हुए कचरे से मिला। पापा, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या लगता है, हमने 3 लोगों से यही सवाल पूछा, ये था उनका जवाब।
लगता है बिजली का बिल भरना भूल गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि साकिर ने बिल नहीं भरा। जरा फिर से सवाल दोहराओगे? ये मेरी वजह से हुआ है। और नहीं तो क्या, देखो तो ना बिजली है ना पानी ना ही गैस है। मुझे एक ऑयल लैंप मिला है, अभी इसी से काम चला लेते हैं। शुक्र है ये बोल वाला पूल तो है। पापा मैं फेल हो गया, घर नहीं चला पाया। इतने कम पैसों में कुछ नहीं आता। दूर से ये बहुत आसान लगता है लेकिन जितनी कोशिश करता गया घर चलाना उतना ही मुश्किल होता गया। पापा प्लीज मेरी मदद करो। बहुत अच्छे, अपने गलती का एहसास होना जीत का पहला कदम है। ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं? 250 रुपए। महीना खत्म होने में अभी भी 7 दिन बाकी है, इतने में गुजारा नहीं होगा। मुश्किल चुनौतियाँ मुझे पसंद है, तो अब सबसे पहले इस काम के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन कैसे? ये तो बढ़िया गेम है, अब फसल उगाता हूँ। मैंने एक और लेवल पार कर लिया। हाँ रुको रुको, प्लान मिल गया। क्यों ना इसे वीडियो गेम समझकर आगे बढ़ें? कैसे पापा? वो है, पहले बचे हुए पैसे गिनेंगे और फिर देखेंगे हमारे पास और कितने दिन हैं। फिर हम जरूरी कामों पर ही पैसे खर्च करेंगे। मंगल ग्रह के गड्ढे देखने के लिए दूरबीन चाहिए, क्या आप हमें थोड़े पैसे दे सकते हैं? उदाहरण के लिए इसे मना करेंगे। नहीं मिलेंगे। दुकान में रखे पटाखे देखने के लिए मुझे भी एक माइक्रोस्कोप चाहिए, क्या उसके लिए पैसा दोगे? इसे तो सुनना भी बंद। सुनाई नहीं दिया। गली में खेलने वाले बच्चों को डांटने के लिए माइक चाहिए। अब इसका जवाब क्या होगा? नहीं दादाजी। चलो कोई बात नहीं। शाबाश बेटा, मुझे डिनर बनाना है, उसके लिए मुझे तेल खरीदना होगा, 10 रुपए में आएगा। ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, इसके लिए पैसे दे दो। ये लीजिए मम्मी, पूरे 10 रुपए। यानी मुझे अब थोड़े पैसे कमाने होंगे। क्या करना होगा? मुझे कुछ बेकार चीजें बेचनी होगी। मैं दीवार पे चिपक गया, ग्लिच में कुछ गड़बड़ है। बहुत सी ऐसी चीजें खरीदी जिसकी जरूरत ही नहीं थी, उन सबको बेच देंगे और उससे पैसा कमाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी सेल लगी है, जल्दी आइए। हमारे पास उल्का पिंड है, राक्षस का मुखौटा है। आइए जल्दी आइए, मेरे पास है आधा भरा टूथपेस्ट, बाकी आधा भरा खाली है। ये चुटकुला एकदम मुफ्त। अरे अरे वाह, ये मुखौटा है वो। अरे वाह, ये किसने का है? इतना सस्ता क्या होगा? है सारा पैसा कमाया और उन पैसों से हम महीना के खत्म होने तक किसी तरह घर को भी चलाया। ये है, हुर्रे, हम जीत गए। हुर्रे, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? क्या सबका मन कूदने को कर रहा है? बहुत अच्छे मेरे बच्चे, मेरे भरोसे को सही साबित किया। थैंक यू मम्मी, डैड के बिना ये सब नहीं कर पाता। बेटा एक बहुत ही अच्छी खबर है, अभी भी 20 रुपए बचे हैं, इतने में एक नया वीडियो गेम खरीद सकते हैं। ये है, अभी के अभी एलियन हंटर प्रोफेसर 3 डाउनलोड करता हूँ। क्रेडिट कार्ड मिलते ही क्यों बेटा, पहला काम तुमने यही किया था ना बेटा? पापा गलती से वो गेम मुझसे डिलीट हो गया, वो बात मैं भूल ही गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? बहुत बोर हो रहा हूँ। बॉल्स वाला गेम। ये बॉल फाइट। अच्छा वाकई नहीं बचा। रुक जाओ, ये सब मत करो। बम की तरह। अरे रुक जाओ, क्यों गंदा कर रहे हो घर को? दुखी लोगों से साफ करो। मैं आउट हो गया। ए चुप 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 हो जा, बॉस आ रहे हैं। हे गाइस, फास्ट ट्रेन में एक पैसेंजर ने सीट गंदी कर दी है और लोग आने से पहले उसे जल्दी साफ कर दो। अरे सर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। अरे तो फिर तुम जाओ, जल्दी करो। ठीक है जाता हूँ। स्टोर रूम में कितनी धूल भरी है, ये बाल्टी किधर गई? मिल गई मुझे। मेरा सिर फूट गया, ये क्या था? ये तो बॉक्स है और ये काफी पुराना भी लग रहा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है।
पिछली बार जब मैंने ऐसा डिब्बा खोला तो मुसीबत आ गई थी। चलो खोलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? इतनी अजीब सी रोशनी किस चीज की है? ये समझ नहीं आ रहा कुछ। हाँ, ये तो गोल्डन टिकट्स हैं। किस चीज के टिकट्स होंगी ये? और इस पर कुछ लिखा भी है। क्या लिखा है? जो भी इसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंसेगा। आरिफ, कहाँ रह गए तू? बाल्टी लेके जल्दी आओ। आ रहा हूँ बॉस, बस आ ही गया मैं। मेला होता है मजेदार, मुझे है उससे प्यार। मैरी गो राउंड है लाजवाब, बचपन से दिखता था इसके ख्वाब। बम्पिंग कार्स की तेज है रफ्तार, चलाऊंगा आज बार बार। हॉरर हाउस में लगता है डर, फिर भी नहीं जाऊंगा मैं घर। अम्यूजमेंट पार्क बंद होने तक हर जगह घूमता रहूंगा मैं। बहुत खुश हूँ रामजी, आज मेले में जो जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े हो गए हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं? डार्लिंग, बड़े लोग मेले में अकेले जाते हुए अजीब लगेंगे, इसीलिए बच्चों को साथ लाते हैं। तुम्हारे बहाने हम भी मस्ती कर लेंगे। पहुँच गए, क्योंकि हम सभी ऐसे मेलों के फैन हैं। अपने अपने तरीके से मेलों को सलामी देंगे। अरे हाँ, मेलों को सलामी देनी है, बहुत जरूरी है। अरे अंकल, आप तो कुछ भी करते रहते हैं। चलो हो गया, अब अंदर चले। चलो चलो भागो, चलो चलो। मुझे टिकट दो, मुझे 11 टिकट दो, मुझे 11 टिकट दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम सबके लिए काफी टिकट्स हैं। मुझे माफ कर देना, सारे टिकट आज खत्म हो गए, आपको टिकट नहीं मिलेगी। बुक को भूल जाओ, मुझे टिकट चाहिए अभी। वैसे ये टिकट बुक क्या है? टिकट टिकट, अरे आप भी चलाओ ना अंकल। टिकट टिकट, अगर तुमने अभी के अभी टिकट नहीं दी तो मैं अपनी मुझे खा लूंगा। क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ, टिकट खत्म हो चुकी है। अभी आता हूँ। ये क्या है? थोड़ी बहुत टिकट्स मिल गई हैं, इसे कौन लेगा? देखो, मेरे पास सिर्फ 4 टिकट्स हैं। कुछ देर के लिए इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जब मेरे पास और टिकट्स आ जाएंगे, मुझसे आकर ले जाना। हैं? मेरी बात ही नहीं सुनी। लॉलीपॉप ले लो, मीठी मीठी लॉलीपॉप। बुढ़िया के बाल, मीठे बुढ़िया के बाल। पहले इस राइड पर चलेंगे। नहीं, पहले इस पर बैठेंगे। लेकिन मुझे ये पसंद है। प्लीज, पहले इस पर चलो। ठीक है, थोड़ी सी सांस ले लो। जिसे जो पसंद है उसी पर जाए। टिकट्स खत्म होने के बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, ओके? मैं तो चला उधर। मैं यहाँ जाऊंगी। मैं भी कहीं ना कहीं जाऊंगा। मैंने चुना है मैरी गो राउंड, ये रही मेरी टिकट। डर का घर, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, समझे? ये पकड़ो मेरी टिकट। इसे मैरी गो राउंड क्यों कहते हैं? गोल गोल घूमना कौन सी खुशी की बात है? इस राज का पता लगाना होगा। ये लो मेरी टिकट बच्चे। अरे बम्पिंग कार, मेरा पसंदीदा खेल है। ये रही मेरी टिकट, मेरा नंबर कब आएगा? क्या हो गया? ये रुक क्यों गई? क्या हुआ? चूल्हा क्यों रुका? हे ऑपरेटर, ऑपरेटर नहीं समझे, मेरा मतलब उस बच्चे से था। क्या हुआ है मुझे भी नहीं पता, सब तो ठीक है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। लगता है हम तो गए काम से। नकमी तुम ठीक हो? तुम चाहो तो उतर सकते हो, सबसे नीचे तुम ही हो। उतर जाना चाहिए, सही कहा मेरे दोस्त तुमने। क्या डर का घर है ये, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। मैं बड़ा हो गया हूँ या डर जैसी कोई चीज थी ही नहीं? कैसा डरावना घर है ये। ये रुक क्यों गई? कैसे हो साकिर? मेरा नाम कैसे जानते हो? मम्मी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं जा सकता। धक्का खाने के लिए तैयार रहना। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हटो हटो, अरे हट जाओ, अरे हट जाओ भाई। अरे उसका लाइसेंस तो है ना?
इतनी देर से यहीं घूम रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं दिख रहा। इन्होंने तो मुझे ठग लिया। अरे ये क्या हो गया? शायद घोड़े का मूड खराब हो गया है। ओके, मत करो ऐसा, हिम्मत रखो बच्चे, बचाओ। अरे निकेटी बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, अरे मदद करो मेरी। नहीं कर सकता रामजी, मेरा घोड़ा पागल हो चुका है। शांत हो जाओ, रुक जाओ। अरे ये क्या कर रहा है? हेलो रामजी, क्या तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो? सीट बेल्ट लगा लो। डैडी, कार भी पागल हो चुकी है, ब्रेक नहीं लग रहा, कार अपने आप चल रही है। कार घोड़े सब पागल हो चुके हैं रामजी, यहाँ हो क्या रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे होंगे अभी? वाव, चौड़ी वाली लॉलीपॉप, मेरा कितना ख्याल रखते हो, थोड़ा सा खा लेता हूँ। तुम अभी तक गेम खेल रहे हो? मैंने इस बॉक्स में गोल्डन टिकट रखे थे, वो कहाँ गए? वो टिकट्स क्या, मैंने तो उन्हें बेच दिया। क्या कहा, उन्हें बेच डाला? वो बेचने के लिए नहीं थे बेवकूफ, उस पर लिखा था जो उसे खरीदेगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। तुमने पढ़ा नहीं क्या उसे? कम अकल। अरे यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुझे समझाएगा भी? अरे वो मैं बॉस। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे हमें कोई बचाओ, कोई झूले से नीचे उतारो। निकाटी, बचाओ, बचाओ मुझे। मुझे भी बचा लो, कार्टून के कैरेक्टर जिंदा हो गए हैं। मुझे बचाओ, जाने दो मुझे। लग गई भाई बात करने वाली, भागो। अरे मैंने ये क्या कर दिया, जरूर ये सब कुछ उन गोल्डन टिकट्स की वजह से हुआ है। कहाँ है वो टिकट, जल्दी से ढूंढना होगा, कहाँ चली गई? अरे फूड वैन, अरे फूड वैन, हुर्रे! अरे खुश मत हो निकाटी, हम तो टकराने वाले हैं। ये सब रामजी की वजह से हुआ है, बुद्धू कहीं का। अरे निकेटी अपने आंखें खोलो। हम जिंदा हैं? क्या तुमने मुझे अभी बुद्धू कहा? नहीं मैंने कब कहा, मैंने तुम्हें बुद्धिमान कहा। तुमने मुझे बुद्धिमान कहा, बनाओ मत। नहीं बना रहा। हे, तुम लोग जरा झगड़ना बंद करोगे? तुम्हारे बच्चे को कैसे बचाना है वो सिर्फ मैं जानता हूँ, चलो जल्दी। क्या कहा, सच में? चलो निकेटी। इसे रोकने का एक ही तरीका है, उन गोल्डन टिकट्स को ढूंढ कर उन्हें नष्ट करना होगा। ये रहा बॉक्स, जल्दी से ढूंढो। कहाँ गई वो गोल्डन टिकट? जल्दी ढूंढो, अरे जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो। ये रही। अरे बहुत बढ़िया, फाड़ डालो इसे। कमाल कर दिया, अब दूसरी टिकट्स भी ढूंढनी होगी, जल्दी करो। अगली टिकट को मैं फाड़ूंगा, हो गया फैसला। ये मुझे मिल गया। हुर्रे, मैं बच गया। हुर्रे। और ये रही आखिरी टिकट। मैं आ गया बेबी, फिर कभी मुझे डराना मत, तुम ठीक से समझ गई ना? अरे इसकी क्या जरूरत थी, यू आर वेलकम। बच्चों की जान, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। बहुत बढ़िया आरिफ, तुम पर गर्व है मुझे। गेम खेलना बंद करो लेवेंट, जगह की सफाई करो जाके। पर मैं क्यों? वो तो ठीक है, तो इस बार सवारी करेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की। नहीं हम किसी की सवारी नहीं करने वाले, बहुत समझे तो। टिकट्स मैं खरीदूंगा। बुद्धू होने की असली निशानी ये है। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू, सबको शाक खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव, ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे, बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो,
जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन, आपको मैंने बताया था ना यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं, अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, मिस्टर कॉर्सन आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन, मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन, अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था और वो भी अपनी छोटी उंगली से। हुआ, 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 सॉरी तंजू गलती से लगा। मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और दो बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई एक पत्नी दो बच्चे हैं मेरे, काश मैं कॉर्सन होता उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकेटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, ले जाओ ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला, ले जाओ इसे। अरे भाई तुम दोस्त हो कि दुश्मन, जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूद कर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है, एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट, लाइट्स रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं क्या आफत है, मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज। 1, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई मानते क्यों नहीं हो, मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है, आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रेमजी कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिये! रेमजी क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई, इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ सच में अच्छा लगा। हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस, रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने, ये मेरा है? रेमजी क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है, रेमजी चला गया। मैं कॉर्सन हूँ, कॉर्सन। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा जो हो रहा है उसे होने दो, हमारी किस्मत खुल गई। सारी
कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तंजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी, इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है, अचानक से रोशनी कहाँ से आई? तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है, समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। आ मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रैमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी, तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कौशन, मिस्टर कौशन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहे। क्या शोरगुल हो रहा है? कौशन ने नई कार ली है। क्या कहा, सच में? चलो पैसे कमाने का अच्छा मौका है, बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब बहुत खूब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ गिर गया। ओ आउच। झगड़े के दौरान कौशन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कौशन जी, आपने ऐसी ऐसी हरकत क्यों की? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। ये वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है, इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कौशन जी, कौशन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कौशन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ। यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कौरसन? हाँ मैं ही कौरसन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा, हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से वड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा, सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया, तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कौशल लौट चुका है दोस्तों।
वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा, दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया, अब हम साथ में समय बिताएंगे। कौशन एलियंस को हरा देगा, हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं, इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है मजाक है, मैं खो गया हूँ, क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? बहुत खूब, क्या बात है, ये खास मिश्रण से मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। और ये रहा आपके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। सर, क्या आपके पास कोई जादुई मिश्रण है क्या? अलग कैसे, आयरन जैसा क्या? इस जादुई मिश्रण के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कैनर? अरे क्या कर रहे हो? बदमाश, मेरा ये स्पेशल परफ्यूम तेरे कोई खेलने की चीज नहीं है। और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सर वापिस से पहले जैसा हो जाएगा। अरे बच्चों आराम से जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना, मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर अब मुझे भी जाना चाहिए। आखिरकार सब चले ही गए, अब चल के कुछ सुपर पावर्स लेते हैं। यहाँ क्या क्या है? टेलीपोर्टेशन सोप, स्पीड ट्रेन, और ये रहा एक शू हॉर्न। ये क्या है? आहा, मिल गया सुपर पावर्स डियोड्रेंट। इससे तो कुछ हुआ भी नहीं, जरा देखो तो। मैं तो एक कचरे का डब्बा भी नहीं उठा पा रहा, इनमें से तो कुछ भी काम का नहीं है। बकवास है, ऐसी चीजें तो सिर्फ फिल्मों में होती हैं। ये काफी मजेदार है। मेरा तो मुंह दुख रहा है। ये तो काफी मजेदार है। पापा, इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तो हो ना? मैंने कॉन्टिन्यूअस का आखिरी एपिसोड देखा, ये बहुत मजेदार है। तुम कुछ नहीं जानते। काश मैं आप दोनों को चुप करा सकता। निकाटी, मेरी आवाज चली गई। निकाटी, ये क्या हुआ तुम्हारे साथ रैमजी? हाँ, क्या ये मैंने किया? वाह, तुम लोगों ने पूरी सीरीज देख डाली और मुझे बताया तक नहीं, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अरे नया एपिसोड आ गया। ये तो मजेदार लग रहा है। दादाजी प्लीज, बाप भी शुरू मत हो जाना, मैं अभी सोना चाहता हूँ। मैं अभी सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं, क्या क्या ये सब मैंने किया? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। शाकिर बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा, जो डियोड्रेंट मैंने लैब में स्प्रे किया था वो काम कर रहा है। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। अब मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम पहले हमारी आवाज को ठीक करो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज वापस आ गई। हेलो हेलो हेलो, मेरी भी आवाज वापस आ गई। हुर्रे, अब जब मेरे पास सुपर पावर्स हैं, तो मैं एक सुपर हीरो बन सकता हूँ। एक सुपर हीरो के तौर पर तुम और क्या क्या करना चाहते हो? मैं इस दुनिया में बुरे लोगों को सजा दूंगा और अच्छे लोगों की मदद करूंगा। क्या तुमने किसी कॉस्ट्यूम के बारे में सोचा है? मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, फाइनली, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे उन यंग लोगों को जो सुपर हीरो बनना चाहते हैं? उन्हें ढेर सारी वीडियो गेम्स खेलने चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? मैंने सोच लिया, मैं हूँ स्कोप मैन।
एक सुपर हीरो जो भरा है हर उस चीज से जो अच्छाई के लिए होगी। स्कूप मैन, हुर्रे! बकवास बंद करो। मिस्टर कैट, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। वैसे तो मैं बुढ़ा हूँ पर आदतों से बाज नहीं आऊँगा। मैं हूँ स्कूप मैन। स्कूप मैन, स्कूप मैन अच्छों की रक्षा करता है, लोगों से प्यार करता है। एक्सीडेंट को रोकते हैं, उल्का पिंडों से बचाते हैं, और उसे पसंद है कबाब। स्कूप मैन अच्छों की करता है रक्षा, बुराई का करता है खात्मा। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग बड़े हो गए हो, ये सब करना आपका ठीक नहीं लगता। चलिए जाइए अपने अपने घर। किसका आइडिया था? स्कूप मैन, मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दीजिए ना। मुझे आपका स्पेशल वाला ऑटोग्राफ चाहिए। बेटा, इस स्कूल को तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है, हमारे बच्चे अब सुरक्षित हैं, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, ये लो ऑटोग्राफ, तुम भी लो, ये लो। स्कूप मैन, मुझे बचाओ, अभी आया मैं। मैं हूँ स्कूप मैन। रैमजी, क्या हमारे पास बड़े साइज का लेडल मैन टी शर्ट है? उसे निकाटी ने पहना है। निकाटी, क्या तुम उसे उतार दोगे? लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन में उस टी शर्ट के लिए। मैं थक गया हूँ। बेटा, तुम्हारे सर पर एक ईंट है। मैंने एक बिल्डिंग को बचाया जो बस गिरने ही वाली थी। आओ ना साकिर, एक फोटो ले लेते हैं, ये तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए है। हेलो कहो, हेलो। और कैप्शन की बारी है। एक सुपर हीरो होना काफी मुश्किल है, और ये अपलोड हो गया। मुझे नहीं पता था कि एक सुपर हीरो होना इतना थकाने वाला काम है। मैं पूरे दिन लोगों की मदद करता रहा, ये कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हें इस्तांबुल से सारे क्रिमिनल्स को बाहर भगाना है बेटा। ये घटिया जोक आप सुबह से मारना चाहते थे, है ना? क्या फिर से? किसी को स्कूप मैन की मदद चाहिए। हेलो, हेलो हेडक्वार्टर्स, हमें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। एक बच्चे का गेम कंसोल टूट गया है, वो गेम को नहीं खेल पा रहा, वो खतरे में है। ठीक है, डिस्पैचिंग लेडल मैन। अरे रुको रुको, बात सिर्फ इतनी नहीं है, किसी ने चाय सर्व करते वक्त उसके मदरी लो के बाल भी खींचे हैं। ये तो काफी अजीब है, पर लेडल मैन इसको संभाल लेगा। लोग अभी भी लाइन में इंतजार कर रहे हैं, लगता है आज स्कूप मैन को बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। हेलो, हाँ सर, मैं सुन रही हूँ। ओके, गुड नाइट। तो अब सुनो, एक लेडी है जिसकी बिल्ली खो गई है, एक बिल्ली है जिसकी वाइफ खो गई है, और है रेनो जो पागल हो गया है। एक फायर स्टेशन में आग लग गई है, वाटर वर्क बिल्डिंग में बाढ़ आ गई है, एक उल्कापिंड मेट्रोलॉजी बिल्डिंग पर गिर गया है। तो तुम कहाँ से शुरू करो लेडल मैन? कहीं से भी नहीं। क्या? अब बस बहुत हो गया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना थक जाऊंगा।
मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठ पाया हूँ, मुझे आराम चाहिए। बेटा ये मत भूलो कि सुपर पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी तो आती हैं, और मैं इन सब का जिम्मेदार नहीं हूँ, माफ करना, लेकिन मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, समझ गए? नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी अभी स्कूप पैन पजामाज लिए हैं। नहीं, हे भगवान, हे भगवान, बहुत तेज बारिश हो रही है और बस अभी तक नहीं आई। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, बस आती ही होगी। अरे ये आवाज कैसी थी? आवाज उस तरफ से। बस आ गई, लेकिन बस का क्या हाल हो गया? सुनो, सब भागो यहाँ से, भागो, अरे भागो भागो। कौन आ रहा है? मैं हूँ डाइवर्स मैन। ये कैसा बेहुदा नाम है, बेवकूफ हो तुम, तुम बेवकूफ हो। तुम लोग भाग के रहे हो, भागो मत, तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, मैं भी एक सुपर हीरो हूँ। लेकिन तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए तुम एक हीरो नहीं हो। अच्छाई करना मुश्किल है, लेकिन बुराई करना आसान है। तो ये पक्का हो गया है कि ये सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, हम इसको फोर्स भी नहीं करने वाले हैं। खैर मैं नीचे जा रहा हूँ। ये कैसी आवाज थी, जरा देखो तो। अरे बाप रे, वो रेडियो कहाँ गया? हेलो हेलो, वहाँ नीचे भगदड़ मची हुई है, हमें स्कूप मैन की जरूरत है। अब कहीं कोई आग नहीं लगी है, ना कोई उल्का पिंड गिरा है, अब किसी बिल्ली को भी पेड़ से नहीं बचाना है, आराम करो बस। स्कूपमैन, स्कूपमैन, हम मुसीबत में हैं। अभी स्कूपमैन आराम कर रहा है, मैं अभी बॉल से खेल रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। अरे क्या कर रहे हो, अरे तुम क्या कर रहे हो, शैतान कहीं के, छोड़ो मुझे। मेरा नाम है कैनर, लेकिन लोग मुझे डाइवर्स मैन के नाम से बुलाते हैं। मदद करो। दादाजी, दादाजी, कोई मेरे दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नालायक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहाँ है तुम्हारा वो स्कूप मैन, बताओ कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। कैनर, क्या ये तुम हो? स्वागत है मशहूर बच्चे, कैसा लगता है जब कोई तुम्हें इतना प्यार करे? तुम क्या कर रहे हो, तुम ठीक तो हो? मैं बस मशहूर होने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक ये तुम्हारे लिए आसान हो, आखिर तुम एक हीरो तो हो। तुम ऐसे नहीं मशहूर हो सकते, सब तुमसे और नफरत करेंगे। नहीं, उन्हें मुझे पसंद करना होगा। बस बहुत हुआ, ये बात यही खत्म होती है। दादाजी आ जाओ, देखते हैं तुम इसे पकड़ सकते हो कि नहीं। मेरी मदद करो साकिर। ऐसा नहीं हो सकता, ये काफी तेज है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, रुको, मेरे पास एक और पावर है। मैंने आपको आपको बचा लिया दादाजी, लेकिन इससे कैनर को नहीं रोक सकता, मुझे कुछ और सोचना होगा। रुको, अगर मैं समय को रोक सकता हूँ तो मैं उसे कंट्रोल भी कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये काम करेगा। और ये रहा आप सबके सामने शलगम जूस। अरे वाह, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। मैं कहाँ हूँ, ये कैसे हुआ, ये काम कर गया? क्या काम कर गया साकिर, तुम ठीक तो हो ना? अब से मुझे कनेर को क्लास में अच्छा फील कराना होगा, अब वो बिल्कुल भी अपमानित नहीं होगा, और फिर उसे बुरा काम करके मशहूर होने की इच्छा भी नहीं होगी। हाँ ओके, मैं समझ गया। हाँ, मैं इस लिड की पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। कैनर जरा इसे चेक करना। मेरा सर बड़ा हो रहा है। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। अरे बच्चों आराम से जाओ, और हाँ अगले हफ्ते अपने किसी दोस्त के साथ एक टीम के तौर पर आना, मैं एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। खैर अब मुझे भी जाना चाहिए। हे कनेर, अब से हम दोनों एक टीम हैं। ठीक है, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं दोस्त, अब से स्कूप मैन हमेशा मदद के लिए तैयार है। क्या स्कूप मैन? छोड़ो, जाने दो।